हेलो, स्वागत है आपका नई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जिसमें से पंचायत सहायकों की अर्निंग की बात है। इसमें से देखिए कि पंचायत सहायकों का मानदेय इतना कम है कि हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। आप लोग भली बात बेहतर जानते हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं सभी लोग जानते हैं। तो मानदेय इसमें इतना कम है, अब इसमें से दो ही ऑप्शन है कि आप इस जॉब को रिजाइन दे दें, मतलब इस जॉब को छोड़ दें, या तो इस जॉब में बने रहने से अच्छा है कि आप कुछ चीज़ों को सीख लें। कुछ सर्विसेज हैं जिसमें आप अपनी अर्निंग बढ़ाएं या तो कुछ इस तरह से काम कर लें। जैसा कि सभी ग्राम पंचायतों में, यहाँ पे देख लीजिए, मैं कुछ यहाँ पे फेक नहीं दिखाऊंगा, जो भी दिखाऊंगा, जो मैं अर्निंग करता हूँ या जिस तरह से मैं काम करता हूँ वही पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि सभी ग्राम पंचायतों में इस तरह से ग्राम सचिवालय में पेंटिंग में वॉल पे यहाँ पे लिख चुका है लगभग कि क्या क्या यहाँ पे काम होने हैं, और यहाँ पे आवेदन शुल्क भी यहाँ पे नीचे मेंशन है कि क्या क्या जो जो काम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पूरे आय जात निवास से लेकर किसी जन्म मृत्यु प्रमाण से लेकर कुटुंब रजिस्टर से लेकर के पूरे यहाँ पे सारे काम मेंशन है। तो आपके भी ग्राम पंचायत में हो सकता है लिख गया हो, या नहीं लिखा होगा तो लिख जाएगा, और ये सारी सर्विसेज ग्राम पंचायत देनी। अब इनके अलावा क्या सर्विसेज है जिस पे मैं फोकस करता हूँ, जो भी सर्विसेज मैं देता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे ए डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आप लोग दे रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सहज पोर्टल हो गया, इसमें पैन कार्ड की सर्विसेज होती हैं, ये गवर्नमेंट क्राइटेरिया से नहीं, इसमें अपनी तरफ से आवेदन करके आप अपनी खुद की कमाई यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कल मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, पैन कार्ड का कैसे बनाना है, क्योंकि इसमें फीस भी कटता है ना टैक्स टू विन से बनाने में, जो अर्जेंट होता है, तो यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जिसमें मैं अर्निंग कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म है, एक स्पाइस मनी और एक है पे नियर बाई। स्पाइस मनी मैं आपको बता दूँ, इसे कंपनी के थ्रू, जिसमें से हम आधार सर्विस से बैंक ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र और AEPS सर्विसेज, यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ये सर्विसेज दे सकते हैं। देखिए, इस तरह का इंटरफेस होगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है, इसमें पैन कार्ड, पासबुक और आधार कार्ड के हिसाब से आपको वेरिफिकेशन हो जाता है। इस तरह से आपको आईडी पासवर्ड जब मिल जाएगा वेरिफिकेशन का, तो इस तरह से होम पेज होगा जो आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप यहाँ पे रेलवे की टिकट भी बुक कर सकते हैं, AEPS सर्विसेज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, DTH रिचार्ज, गैस कनेक्शन और बिजली का बिल वगैरह सब यहाँ पे आप पेमेंट कर पाएंगे। जो भी यहाँ पे सर्विसेज हैं ऑलमोस्ट आप सभी यहाँ पे कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, और इसमें से अच्छा खासा कमीशन स्पाइस मनी के थ्रू से दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं 3 से 4 हज़ार के बीच में, तो उसमें भी आपको 8 से 10 रुपये का कमीशन भी दिया जाता है। बाकी आप खुद जब पैसा निकालते हैं, मनी ट्रांसफ़र करेंगे, तो कुछ जो कस्टमर होगा उससे कुछ ना कुछ चार्ज जरूर लेंगे। तो इस तरह से AEPS सर्विसेज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, आप यहाँ से कैश विदड्रॉल कर सकते हैं, जिसे किसी का आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कैश विदड्रॉल का ऑप्शन है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर डालना होता है, और यहाँ पे आयुष्मान कार्ड में बता दूँ कि सभी के पास मंत्रा या मार्फो डिवाइस दी गई होगी आयुष्मान कार्ड के तहत, तो आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस डिवाइस का आप स्पाइस मनी में या नियर बाई में लॉग इन करके इस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल डाल के आप यहाँ से बैंक सेलेक्ट करके आराम से इजिली से कर सकते हैं। ये जो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे शो कर रहा हूँ, ये ऐप के माध्यम से होता है। आप स्पाइस मनी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप ऐप के माध्यम से भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर ऐप पर चलती हैं। इसके बाद यहाँ से आप इस तरह से डिपॉजिट कैश भी कर सकते हैं। और जो दूसरी यहाँ पर है, मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप डिटेल कैश ऐस जो जमा करना है इस तरह से कर सकते हैं। बाकी मान लीजिए आप नहीं करना है, तो जो दूसरी संस्था है यहाँ पे पे नियर बाई की है, आपके यहाँ यूज़ भी होता है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरह का इंटरफेस होगा पे नियर बाई का, आफ्टर लॉगिन के, बिना विदाउट पासवर्ड के। इसमें कुछ चार्ज कटेगा आपको, 500, 600 या 1000 रुपये तक का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको देना पड़ेगा। आफ्टर लॉगिन के इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा, यहाँ पे भी AEPS सर्विसेज, मनी ट्रांसफ़र, आधार पे और ट्रेन टिकट, बस, यहाँ पे सभी तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप यहाँ से इजिली पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का पोर्टल है, अभी जैसे कि मैं आजाद निवास काफ़ी लोगों को बना चुका हूँ, अभी उनमें से मुझे स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने हैं, तो बच्चों के यहाँ पे स्कॉलरशिप के आप फॉर्म भी भर सकते हैं इजिली से। कैसे भरना है इनके वीडियो आपके आफ्टर यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ दिन में, जैसे साइट ऑनलाइन चालू होगी। और यहाँ पे मैं फोटोशॉप का यूज करता हूँ, जैसे आप मान लीजिए आप अर्निंग के लिए फोटोशॉप, अभी क्या हुआ है कि ग्राम पंचायतों में यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर दिए गए। मैंने एक अभी हाल ही में कलर प्रिंटर परचेस किया हुआ था, जो कि 10 से 15-12 के रेंज में आपको मिल जाएगा 1000 में। आप इसको परचेस कर लीजिए कलर प्रिंटआउट प्रिंटर, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट दिया गया था जिससे मैं फोटो का काम नहीं कर सकता। तो आप मार्केट में इजिली से कैनन, एप्सन, जो भी आपको जिस भी कंपनी का आपको अच्छा लगता है, आप उसको यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज होगी, मान के चलिए 12 से 14 हज़ार के बीच में आप इसको ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो ले लीजिए। इससे क्या होता है कि जैसे कि मैं
यहाँ पे फ़ोटो का काम कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे मैं पोर्टल पे शो कर दूँ यहाँ पे, कि जैसे कि आप कोई भी साइट यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, जो अमाउंट है $179 लगभग 12 से 14 हज़ार के बीच में लगभग पड़ जाएगा प्रिंटर। तो आप इसे साइट से चेक करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे फोटोशॉप का यूज़ करता हूँ, कि मान लीजिए किसी को फ़ोटो बनानी है, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो, आपको नहीं चलाना आता है तो इसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा कि आप कैसे इससे फ़ोटो निकाल सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो भी काफ़ी गाँव में क्या होते हैं, लोग के बाहर जाते हैं फ़ोटो बनवाने, ज़रूरत होती है फॉर्म में, तो यहाँ पर आप इस कैसे फ़ोटो बनाएंगे, फ़ोटोशॉप कैसे यूज करेंगे, इसका भी मैं ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट यहां पे डाल दूंगा, आप देख लेंगे, तो आप इसे भी अर्निंग कर सकते हैं। और इसके साथ कौन कौन सर्विसेज हो गई, मान लीजिए आप किसी का रिज्यूम बनाना चाहते हैं, आप रिज्यूम बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आयुष्मान कार्ड, जैसे आप बना ही रहे, अब उसको प्रिंट करने के लिए उसे लाभार्थी को बाहर जाना पड़ता है, तो आप खुद से प्रिंट करके पेज को सेट कर सकते हैं, मतलब जो कार्ड फॉर्म में निकलता है उसका साइज क्या होता है, इस व्हाट्सएप फेसबुक यहां पे सॉरी यो इसके एडोब फोटोशॉप के थ्रू आप कर सकते हैं, उसका साइज मेंटेन कर सकते हैं, और उसको पीडीएफ बना के आप 10 रुपये से बाहर निकला लेंगे, जो 50 रुपये पड़ते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपके बच जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं, सीख लेंगे। कलर एडमिट कार्ड निकालना होगा तो आप प्रिंट से निकाल सकते हैं। इस तरह से रिसर्च करके आप यहाँ से कंट्रोल पी करके उनका फोटो यहाँ से निकाल देंगे। और भी आधार कार्ड की सर्विसेज होती हैं, OTP बेस आप आधार कार्ड निकाल सकते हैं। इस तरह काफ़ी सर्विसेज हैं, आप दे सकते हैं। थैंक्स।